तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे जो ये अपना डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले है, उसमें फॉल्ट जब आता है तो उसको रीड कैसे करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी रिले है, ये अपना स्टैंडर्ड मेक है और इसका मॉडल है P442 माइकॉम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जाएंगे व्यू रिकॉर्ड्स में, और यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड्स में नीचे आके सिलेक्ट इवेंट, उसके बाद फॉल्ट इवेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फॉल्ट इवेंट हम सिलेक्ट करेंगे 0, जो हमारा अपना अब तक अपना लेटेस्ट फॉल्ट है। तो यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ पे फॉल्ट को रीड करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्टिव ग्रुप आ गया, पहले ये दिखा रहा हमारा ट्रिप फेस, हमारे तीनों फेस में अपना वो अपना ट्रिप हुआ है, RYB फेस तीनों ही। और यहाँ पे जो डिस्टेंस दिखा रहा है, ये है जोन 1, उसका टाइमिंग दिखा रहा है 15:59 पे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उस टाइम कितनी थी, 49.97 हर्ट्ज। फॉल्ट का जो लोकेशन है, नहीं फॉल्ट का ये अपना ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए फॉल्ट अकर किया है, 151.5 मिली सेकेंड। जो अपनी ये अपना रिले है, उसने कितना टाइम लिया है, 79.9 मिली सेकेंड। फॉल्ट लोकेशन कितनी है, 35.05 किलोमीटर। और तीनों फेसों का जो उस टाइम का अपना करंट है, वो कितना है, रेड फेस में 17.28 एम्पियर, येलो में 16.59 एम्पियर, और ब्लू में 4.105 किलो एम्पियर। मींस कि हमारा बी फेस के ऊपर फॉल्ट अकर हुआ है। और तीनों फेसों की वोल्टेज कितनी है वहाँ पे, जैसे रेड में 114.6 किलो वोल्ट, येलो में 134.8 किलो वोल्ट, और बी में 106.8 किलो वोल्ट। फॉल्ट उस टाइम अपना रेजिस्टेंस कितना है, -142 ओम। फॉल्ट इन जोन, हमारा जोन 1 में फॉल्ट आया। ओके, थैंक्स।